नागपुरात संरक्षण क्षेत्राला स्फोटकं पुरवणाऱ्या कंपनीत स्फोट, 9 जणांचा मृत्यू. नागपुरातील सोलार एक्सप्लोजिव्ह कंपनीत आज सकाळी 9:30 सुमारास स्फोट झालाय. ही कंपनी बाजारगाव परिसरात आहे. स्फोटाचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. या स्फोटात आतापर्यंत 9 जणांचा मृत्यू झालाय. सोलार एक्सप्लोजिव्ह कंपनीतील कास्ट बुस्टर प्लांटमध्ये पॅकिंगच्या वेळी हा स्फोट झाल्याची माहिती समजते. सोलार एक्सप्लोजिव्ह बाजारगाव कंपनीच्या प्राथमिक माहितीनुसार या भीषण स्फोटात सोलार कंपनीच्या CBH-2 युनिटमध्ये घटना घडली आहे. मृतकांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. कोळसा खाणीत वापरण्यात येणाऱ्या स्फोटकांचा स्फोट झालाय. स्फोटकांचं पॅकेजिंग करत असताना ही दुर्घटना घडल्याचं सांगितलं जात आहे. 2018 या कंपनीमध्ये स्फोट झाला होता. त्यावेळी एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला होता. स्फोटानंतर ग्रामस्थांनी केलेल्या आंदोलनामुळे तेथे तणाव निर्माण झाला होता. जखमींवर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. स्फोटाची दुर्घटना घडल्याची माहिती मिळताच कामगारांच्या नातेवाईकांनी व नागरिकांनी कंपनीबाहेर गर्दी केली. कंपनीत किती कामगार काम करत होते याची माहिती समोर आली नाही. स्फोटाची भीषणता पाहता मृतांची संख्या वाढणार असल्याचं कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या नातेवाईकांची चिंता वाटली. मृतांमध्ये 6 पुरुष व 3 महिलांचा समावेश आहे. ओमेश्वर किशनलाल मच्छिरके, मीता प्रमोद उईके, आरती नीलकांता सहारे, स्वेताली दामोदर मारबते, पुष्पा श्रीरामजी मानपुरे, भाग्यश्री सुधाकर लोणारे, रुमिता विलास उईके आणि मोसाम राजकुमार पाटले यांचा मृतांमध्ये समावेश आहे. मृतांमध्ये वर्धा येथील 2, चंद्रपूर येथील 1 आणि अमरावती येथील 1 जण रहिवासी आहे, तर 5 जण हे नागपूरमधील रहिवासी आहेत. सर क्या कहेंगे आज जो ब्लास्ट हुआ है उसको चेकले? 9 के सुबह के आसपास की घटना है. एक एक्सीडेंट हुआ फैक्ट्री के अंदर. उसमें बूस्टर बनाया जा रहा था जो कोल माइंस में यूज होता है. उसमें एक ऑपरेशन होता है सीविंग, प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल, जिसके बाद में यूज करते हैं एक्सप्लोसिव बनाने के लिए. उसी समय की यह घटना हुई है और 9 लोग उसमें काम कर रहे थे और ये जून की 9 कैजुअलिटीज वहाँ हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, वहाँ जारी है. पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है फैक्ट्री के अंदर, सोलार मैनेजमेंट स्टाफ, सोलार की सिक्योरिटी सिस्टम, सोलार के रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर काम कर रही है. वहाँ पर एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू बिल्डिंग में एंट्री करते हैं, वो कर रहे हैं. और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी इंक्वायरी के बाद, एग्जैक्ट रीजन क्या था, किस वजह से इंसिडेंट हुआ, मैटर ऑफ इंक्वायरी, उसके बाद ही पता चलेगा. सर आपने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या और भी लोग इसके अंदर हैं? जितने लोग हैं उसमें 2 बाहर निकले हैं, 7 अंदर ही हैं. उसमें ये 9 की हम जो काउंट कर रहे हैं, तो ये 9 कैजुअलिटीज हुई है. उनको रेस्क्यू, उनको निकालने के ऑपरेशन वहां से चल रहा है. वी अज्यूम कि 9 जो लोग अंदर हैं वो उनकी डेथ हो गई होगी. हो सकता है कोई उसमें से सर्वाइव भी करे, वी डोंट नो, बट हम ये 9 मान के चल रहे हैं. सर ऐसी भी अफवाहें चल रही हैं कि 9 से ज्यादा भी लोग थे, इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, 9 ही लोग वहां काम कर रहे थे और 9 ही लोग थे ऑपरेशंस में, वही ट्रैप हुए हैं उससे. सर क्या लगता है कि ह्यूमन एरर के कारण एक्सीडेंट हुआ होगा? चांसेस ज्यादा ह्यूमन एरर के हैं. ये तो मैटर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चल जाएगा, बट ऐसे इंसिडेंट्स में नॉर्मली ह्यूमन एरर ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है और उसकी सीवियरिटी को डिफेंड करता है. लोकनायक न्यूज़.